He's going for it! It's a six! मुझे पता हो गया था कि घर से पैसे नहीं लेने और वो मिलने भी नहीं है। मुझे मेरे लिए स्पाइक्स खरीदने हैं, मेरे लिए मुझे सामान लेना है, मेरा मुझे बैट चाहिए, पैट चाहिए, कहाँ से आएगा? तो उसके लिए भले ही धूप कितनी भी हो, मैच खेलना, एक दिन में 3-3 मैचें खेल लेता था मैं। वो मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का स्ट्रगल था। जिस तरह से मैंने अपने आप को, अपने गेम को मैंने टाइम दिया है, वो सब चीज़ें समझी है, तो उस चीज़ ने मुझे ओरिजिनल लाइफ सिखाई है कि यार ये भूख, ये पैसा और ये सब चीज़ें क्या होती है। आम तोड़ते तोड़ते ज़िंदगी खास कब हो गई? मुझे भी नहीं पता चला कि टेनिस क्रिकेट खेलते खेलते, छोटी छोटी गलियों में खेलते खेलते, दोस्तों यारों के साथ घूमते फिरते, मैं यहाँ इस लेवल और इस मुकाम पे पहुँच गया। डर लगता है? एक चीज़ बताऊँ, जो बंदा ना ऊपर से ऊपर गया होता ना, उसे डर लगता है। जो बंदा नीचे से ऊपर आता ना, उसे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मुझे पता है ज़मीन कैसी होती है, क्योंकि मैं वहाँ से आया हुआ हूँ। लेकिन जब ये हाथ में पहली बार आया तो क्या लगा? जब हाथ में पहली बार आया ना, सीरियसली पहले लगा कि यार ये सही में ये भी बॉल होती है, इससे भी लोग खेलते हैं सीरियसली। क्योंकि जिस जगह से मैं आया, मैंने कभी पकड़ी नहीं ना बॉल, मैंने तो टीवी पे देखी है सिर्फ, पर इसको पकड़ने के लिए काफ़ी पापड़ वेले मैंने। जब मैं फर्स्ट टाइम इस ग्राउंड में एंटर हुआ ना, किसी ने मुझे देखा था खेलते हुए कि एक लड़का है, यहाँ T20 मैचेस चल रहे हैं, उसके यॉर्कर इतने तेज़ है ना, बोले पता भी नहीं चलता कब आ गए। तो उसे सुन के यहाँ पे हमारे जो सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि आप विदर्भा के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नागपुर के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलोगे? मैं बोला सर मुझे क्या है, मैं तो टेनिस ओवर खेलता हूँ, अगर चांस मिलेगा तो क्यों नहीं खेलूँगा, मैं तो खेलता ही क्रिकेट हूँ। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं इस ग्राउंड में इंटर हुआ, इस विकेट पे खेला, तो जहाँ पे मैंने मुझे 8 विकेट मिले। उसके बाद लोगों ने मुझे देखा, कोचेस ने देखा, बोले कि नहीं इसे समर कैंप होता है उसमें डलवाओ, जो 30 का कैंप बनता है उसमें डलवाओ, अच्छा लड़का है, तेज डालता है, ये सब है। तो एक बार मुझे ऐसे कैंप में बुलाया गया, यानी मेरे ज़िंदगी का ना वो दिन मेरे से भुला ही नहीं भूलता। यानी कहते ना कि मेरे को ऐसा लगा ना कि यार मैं क्रिकेट छोड़ दूँ। जब मैं ग्राउंड में इंटर हुआ, मैं वहाँ तक आया, उसके बाद जो हमारे कोच थे, उन्होंने बोला क्या नाम है? बोला उमेश। अच्छा, बोले जूते? बोला सर स्पाइक्स नहीं है, जूते तो यही है। उन्होंने ऐसा मुझे बोला ना कि बोले जूते नहीं, क्या ऐसे बॉलिंग करने आ गए क्या, पता नहीं क्या स्पाइक्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, किसी को भी यार बुला लेते हो भेज देते हो, उसको पता ही नहीं स्पाइक्स क्या है। बोले चलो आप जाओ, बोले यहाँ से। उस दिन थोड़ा सा फील है ना, इतना ख़राब लगा ना मुझे कि मैं लगा कि छोड़ देता हूँ, बट पता नहीं क्या हो। फिर दोस्तों ने बोला यार ऐसे छोटी छोटी बातों में अगर तू बुरा मान के क्रिकेट छोड़ देगा तो जो चांस मिला वो भी नहीं मिलेगा। तो मैंने काफ़ी कुछ सोचा, फिर उसके बाद बोला नहीं कोई नहीं चलो जाने दो। एक चीज़ और जाननी जरूरी है कि जब मैं सेलेक्ट हुआ था रणजी ट्रॉफी में, तो उस सिलेक्शन के लिए भी काफ़ी फाइट्स हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने अंडर एज क्रिकेट कभी खेली नहीं जी। तो उसमें क्या हुआ कि जब सिलेक्शन चालू हुआ तो जो हमारे कैप्टन थे प्रीतम गंदे, तो वो मेरे लिए फाइट कर रहे थे कि नहीं उसको मैंने नेट में देखा है, काफ़ी तेज डालता है। तो मेरे जो कोच थे जिन्होंने मुझे नेट से भगाया था स्पाइक्स के लिए, वो हमारे रणजी ट्रॉफी कोच भी थे, उन्होंने बोला कि नहीं यार तेज़ है ठीक है, पर रॉ है अभी, उसका कुछ पता नहीं है, रणजी ट्रॉफी मैचेस है, बड़ा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, काफ़ी वेवर्ड है वो। पर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, जो भी है मैं कैप्टन हूँ, मुझे ये टीम में चाहिए। लाइफ में कहते ना कि किसी ना किसी का आपको सपोर्ट चाहिए होता, तो उस टाइम में मुझे लगता है कि मेरे कैप्टन ने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं वो सीज़न 4 मैच खेली, मैंने 4 मैच खेला जिसमें मुझे 20 विकेट मिली और मैं दिल्ली ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुआ। और रणजी ट्रॉफी सीज़न चालू होने से पहले मैंने एक पुलिस भर्ती भी दी थी। हाँ, वो कहानी क्या है? उसमें मेरा फिजिकल अच्छा गया, तो उसके बाद मेरा रिटर्न था, तो एग्ज़ाम दे दिया, वो भी अच्छा निकल गया। उसके बाद पर्सनल था, पर उसके पहले मुझे कॉल आई विदर्भा से कि आप कैंप के लिए सेलेक्ट हुए हो। तो मैं वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, बोला यार सेलेक्ट हुआ हूँ पर पता नहीं खेलूँगा नहीं खेलूँगा। उस टाइम पे जो फ्रेंड था उसने बोला कि अभी यहाँ पे भी इंटरव्यू है तेरा और वहाँ पे भी, दोनों चीज़ें सेम है, बट बोले कि देख सबको लाइफ में सेम चांस मिलता नहीं है, तो तेरे को चांस मिला है, ट्राई करके देख क्या हुआ, तेरी एज अभी भी है, बाद में ट्राई कर लेना पुलिस भर्ती। सो जब मैं कैंप में आया तो अंडर एज के लिए मैं 21 साल का ही था, यानी जब मैंने सीजन बॉल देखी, खेलना चालू किया है, उसके पहले तक मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाई। तो ऐसे करते कराते मैं कहाँ से कहाँ आया, खुद को भी नहीं पता चला। और उसके बाद कहते हैं कि पीछे मुड़ के देखा, पर मैं चाहता हूँ कि पीछे मुड़ के देखूँ, यार मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ।
हाय मैं हूँ उमेश यादव और जानिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। वॉच स्पाइसी पिच ऑन बिग बज़।